ट्राई करने के बाद रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी भी मिल जाएगी। सो लेट्स गो गाइस। पनीर टिक्का मसाला पहले हम मैग्रिनेशन के लिए देख लेते हैं। ये है 300 ग्राम दही लिया हुआ है मैंने। इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून बिरयानी मसाला पाउडर। ये मेरा घर का बना हुआ है, आप चाहिए तो कोई भी बाजार वाला भी ले सकते हैं। और 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, ये कसूरी मेथी है, इसे हम थोड़ा क्रश करके, ये भी 1 टीस्पून है, ये डाल लेंगे। सॉल्ट डालेंगे हम अराउंड 1 टीस्पून डालेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। हम इस मिक्सचर को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हमने यहाँ पे 1/2 किलो मैंने पनीर लिया हुआ है और इसे इस तरीके से बड़े क्यूब्स मैंने कट कर लिया है। ये हमारा पनीर सारा हम डाल लेंगे। स्लोली स्लोली अच्छे से इसको कोट कर लेंगे हमारे मैरिनेशन में। अब हमें इसमें डालना है 3 टीस्पून हमें डालना है इसमें चने का आटा, मगर ये हम इस तरह से नहीं डालेंगे। चलिए मैं बताती हूँ आपको किस तरह से डालना है। तो हमें इसे, ये एक पैन मैंने रखा हुआ है, इसमें हम डालेंगे अराउंड 1.5 टेबलस्पून मैंने ये ऑयल लिया हुआ है। इसे हल्के से थोड़ा गर्म कर लेना है। तो ऑयल अभी हमारा गर्म हो चुका है अच्छे से। अभी हम इसमें हमारा जो चने का आटा है वो डाल लेंगे। ये मैंने 3 टेबलस्पून लिया हुआ है और इसे अभी हम स्लो आंच पे इसको थोड़ा सा भून लेंगे अच्छे से, थोड़ी खुशबू ना आए। चने का आटा कभी भी कच्चा नहीं डालना चाहिए, ना तो फ्लेवर जो रहता है उसको एक रॉ फ्लेवर आ जाता है, इसलिए इसे ऑयल में हल्का सा भून के फिर हम इसे डालेंगे मैरिनेशन में। आंच मैंने एकदम स्लो ही रखा हुआ है, अदरवाइज ये जल जाएगा। तो अभी अच्छी से इसकी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें हमारा, जब हम बना रहे हैं टिक्का, पनीर टिक्का, इसलिए इसमें थोड़ा सा हम फूड कलर डालेंगे। ये मैंने टमेटो रेड फूड कलर लिया हुआ है, आप चाहिए तो ऑरेंज भी डाल सकते हैं या फिर ये ऑप्शनल है, अगर आप ना भी चाहो तो भी नहीं डाल सकते, ये जस्ट फॉर अच्छे से कलर आएगा इसका। थोड़ा सा वापस से 1-2 सेकंड के लिए हम भून लेंगे इसे अच्छे से। तो चलिए अभी हम इस पॉइंट पे हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो अभी ये ऑयल पेस्ट डालने से पहले हम इसमें, मैंने ये एक बड़ी शिमला मिर्ची, ये मैंने इस तरीके से बड़े पीसे डाइसेस में कट कर लिया हुआ है, वो भी डाल लेंगे। और एक ये ऑनियन डाल लेंगे, ये भी मैंने
बड़े बड़े पीसेस में काट लिया हुआ है। एक मिक्स देके इसे हम पनीर टिक्का बिरयानी बनाने जा रहे हैं। इसमें हमेशा शिमला मिर्च और ऑनियन रहते हैं, इसलिए मैंने एक डाल लिया है। और अभी ये इसमें जो ये हमारा ऑयल और चने का आटा है 3 टेबलस्पून, जिसमें हमने कलर ऐड किया है, वो इसमें मिक्स कर लेंगे। और हल्के हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अभी हमारा ये मैरिनेशन कंप्लीट हो रहा है। अभी हम इसे ढक के इसे हाफ एन आवर के लिए हम मैरिनेट होने देते हैं अच्छी तरीके से। तो चलिए जब तक हमारा पनीर मैरिनेट हो रहा है तब तक ये हम हमारा राइस बॉईल कर लेते हैं। सो ये मैंने यहाँ पे 400 ग्राम मैंने राइस लिया हुआ है, बासमती राइस है, इसे मैंने हाफ एन आवर मैंने इसको भिगा के रखा हुआ था, वो इसमें हम डाल लेंगे। इसमें हम कुछ डालेंगे, छोटे 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 बड़ी इलायची, 3 लवंग और ये थोड़ा शाही जीरा हमने डाला है। अभी हम इसमें नमक अराउंड 3 टेबलस्पून हम इसमें नमक डाल लेंगे। हमें थोड़ा सा पानी इसका खारा ही रखना है ताकि अच्छी तरीके से इसमें चावल पे नमक चढ़ सके। इसे हम अभी अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। इसे हम सिर्फ 70% हमें कुक करना है इसे। इसमें अराउंड 1 टेबलस्पून हम ऑयल भी डाल लेंगे, इससे हमारा जो राइस है वो स्टिकी नहीं होंगे। तो चलिए 70% तक कुक हो रहा है, तब तक हम हमारे ऑनियंस कट कर लेते हैं पनीर टिक्का मसाला बनाने का मसाले के लिए। तो देखिए अभी हमारा ये जो राइस है वो ये ऑलमोस्ट 70% डन हो चुके हैं। सो इस पॉइंट पे अभी हम इसे बंद करके हम इसे छान लेंगे पानी। तो चलिए अभी हाफ एन आवर हो चुका है और हमारा जो पनीर है वो अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं। सो हम अभी एक पैन लेंगे, इसे पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ग्रीस करके लेंगे पैन को। पैन हमें स्लो फ्लेम पे ही रखना है और अभी हम इसे जो हमारा मैरिनेशन पनीर है उसे हल्के हाथ से थोड़ा सा बस हमें हल्का सा रोस्ट करना है इसे। ये बनने में थोड़ी सा टाइम लेता है मगर इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस बनती है ये। तो चलिए अभी हम इसे टर्न कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसे अच्छे से गोल्डन से मार्क आ चुके हैं हमारे पनीर पे। तो चलिए अभी हमने सेकंड पोर्शन को हमने पलट लिया इसे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से गोल्डन मार्क्स आ चुके हैं। बस इसी पॉइंट तक हमें इसे हल्के आंच पे पका लेना है। तो चलिए अभी हमने इसे पलट के भी अच्छी तरीके से ये हो चुका है, अभी हम इसे साइड में रख लेते हैं। इसी तरीके से मैंने सेकंड बैच भी कर लिया हुआ है लेफ्ट ओवर जो पनीर से। तो चलिए अभी हम हमारा बिरयानी का मसाला बनाना चालू करते हैं।
इसके लिए ये मैंने कढ़ाई रख ली है, इसमें अराउंड 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दूंगी मैं। और 3 टीस्पून घी, इसे अच्छी तरह से पहले गर्म होने देंगे। मसाले पहले डाल देंगे तेल में। 2 तेज पत्ता लिया है, 2 1/2 इंच के मैंने छोटे से दालचीनी, 4 लवंग, 7 से 8 ब्लैक पेपर, 1 बड़ी इलायची और 7 से 8 छोटी इलायची खोल के डाल रही हूँ। ये सारा हम हमारे तेल में डाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6 से 7 ग्रीन चिल्ली डाल रही हूँ, इसे भी अच्छे से गर्म होने देंगे। ये ग्रीन चिल्ली मैंने इसमें डाल दिए थे। अभी इसमें हम 3 मीडियम साइज के ऑनियंस मैंने लंबे लंबे काट लिए हैं, ये डाल लेंगे। और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो हमारे ऑनियन अच्छे से थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी इस पॉइंट पे मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये 2 टेबलस्पून है, वो डाल रही हूँ इसमें। इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे हम, जब तक इसकी रॉ खुशबू है वो निकल नहीं जाती। आंच मैंने अभी फास्ट रखा हुआ है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हमें कंटिन्यू इसे हिलाना ही है, अदरवाइज नीचे लग जाता है हमारा जो मिक्सचर है। तो अभी हमारे गार्लिक लहसुन पेस्ट, गार्लिक अदरक पेस्ट अच्छे से भून चुके हैं। अभी इस पॉइंट पे हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून और ये बिरयानी मसाला 1 टेबलस्पून डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मैंने अभी स्लो कर दिया, अदरवाइज हमारे मसाले हैं वो जल जाएंगे। अभी अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैं अराउंड 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट डाल ले रही हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि ऑलरेडी हमारे पनीर में भी, मैरिनेशन में भी जा चुका है सॉल्ट, प्लस हमारे चावलों में भी जा चुका है, तो उस हिसाब से आपको अपना सॉल्ट इसमें डालना है। ये मैंने 4 टमेटोज बॉईल करके लिए हुए हैं, मीडियम साइज के हैं ये, जो मैंने इसको अभी क्रश कर लिया है पेस्ट बना के, इसे हम अभी डालेंगे। तो हमारे टमेटो भी अच्छी तरीके से इसमें प्यूरी जो है वो पक चुकी है। अब ये जो हमारा लेफ्ट ओवर जो मैरिनेशन का जो मसाला बचा हुआ था, देख सकते हैं आप, ये हम इसमें पूरा इस मसाले में डाल लेंगे। इससे इस मसाले में अच्छी तरह अच्छा खासा इसमें टिक्का बिरयानी का टेस्ट आ जाएगा। अभी हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये ऑयल सेपरेट ना करे। तो चलिए अभी आप देख सकते हैं ऑयल अच्छी तरीके से इसके ऊपर आ चुका है, इसका मतलब हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरीके से पक चुका है। अभी इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा पुदीना इस तरह से तोड़ के डाल लेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे ये ग्रेवी थोड़ी सी थीक लग रही है, तो इसमें जो थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी, गरम पानी अराउंड 1 या 2 टेबलस्पून, ताकि हमें एक अच्छा सा थोड़ा हल्का फ्लोई पेस्ट हमें मिल जाए। एकदम भी गाढ़ी हो तो हमारे राइस में ये घुल मिलेगी नहीं अच्छे से। आंच मैंने अभी फास्ट कर ली है,
अभी इस पॉइंट पे हम हमारे जो पनीर टिक्का जो हमने बनाया हुआ था वो सारे इसमें डाल लेंगे। तो चलिए अभी हमारे पनीर डाल लेते हैं। तो ये हमारा जो सेकंड बैच किया हुआ था ये सारे पनीर इसमें जा चुके हैं। अभी हमें आंच एकदम मीडियम करनी है इसे और बहुत ही हल्के हाथ से इसे ये करना है, घुमाना है, अदरवाइज पनीर जो है वो टूट सकते हैं। चलिए हमारे पनीर अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स हो चुके हैं। तो अभी हम बना रहे हैं पनीर टिक्का बिरयानी। सो इसके लिए अब हम इसे इस पॉइंट पे स्मोक करेंगे। यहाँ पे मैंने मेरा एक छोटा सा बाउल इसमें रख रही हूँ। और ये मैंने दूसरी जगह कोयला गरम कर लिया हुआ है। अब हम इसे अराउंड 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे इसमें। फटाफट से ढक लेंगे इसे। हमें इसी तरह से इसे 5 मिनट्स कुक कर लेना है जिससे कि अच्छी तरह से इसका स्मोक पनीर में आ जाए। इसके इस पे मैं थोड़ा सा वजन रख रही हूँ, स्टीम बाहर ना निकले। तो चलिए अभी हम इसे 5 मिनट्स हो चुके हैं, इसे ओपन कर लेते हैं। हमारा बाउल बाहर निकाल लेते हैं। अभी जो ये हमारा हाफ पार्ट है इसका वो हम अलग निकाल लेंगे। तो चलिए अभी हमने हमारा ये हाफ पार्ट निकाल चुके हैं। अभी हम नीचे थोड़ा सा घी डालेंगे जैसे कि हमारा ये मसाला है वो नीचे ज्यादा लगे ना। और हमारे जो राइस बॉइल कर लिए हुए हैं वो अभी हम डालना, लेयरिंग करना शुरू करते हैं। फर्स्ट लेयर हमने डाल चुके हैं, अभी इसके ऊपर हम थोड़े से ऑनियन डालेंगे। ये मैंने अराउंड 4 ऑनियंस मैंने फ्राई कर लिए हुए थे। इस पे अभी थोड़ा पुदीना और थोड़ा हरा धनिया। आंच एकदम स्लो पे रखना है हमें। अभी जो हमारा ये लेफ्ट ओवर मसाला है पनीर का वो डाल लेंगे इस पे। इसे आप जरूर एक बार ट्राई कीजिए, बहुत ही डिलीशियस बनती है। रेस्टोरेंट से भी ज्यादा ये बहुत टेस्टी बनती है। ये हमारा लेफ्ट ओवर पनीर टिक्का हमने डाल लिया इस पे। फिर से हम थोड़ा सा घी इस पे ड्रिजल करेंगे। जो लेफ्ट ओवर राइस है हमारे वो इस पे डाल देंगे। राइस आप देख सकते हैं एक एक दाना कैसे अच्छे से खुला खुला है। इसका ये और एक टिप है कि आप जब राइस बाहर निकाल दे बॉइलिंग पॉइंट के बाद तो तुरंत ही उसको ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए एक बार, तो वो ओवर पकेंगे नहीं। हमारे ये जो लेफ्ट ओवर सारे ऑनियंस है वो भी इसमें डाल देंगे। और पुदीना और हरा धनिया। सो अभी हम इसमें है ना थोड़ा सा मैंने दूध लिया हुआ है, हाफ बाउल। ये जो है उसमें मैंने थोड़ा सा कलर मिक्स किया हुआ है, सेम रेड कलर, वो हम थोड़ा सा एक एक साइड में डाल लेंगे। हर जगह नहीं डालना है हमें, अदरवाइज सारे ही हमारे कलरफुल हो जाएंगे राइस। हमें थोड़े वाइट कलर के भी चाहिए। फिर इसके ऊपर से घी डाल लेंगे।
दूध में डालने से ये होता है कि वो थोड़ा मॉइस्ट भी बनता है बिरयानी और उसका टेस्ट काफ़ी इनहेंस हो जाता है। सो अभी हम इसे 5 मिनट्स के लिए दम में रखते हैं इसे अच्छे से। इसके ऊपर हम एक हैवी वेट रख देंगे और नीचे हम अभी तवा रख देंगे कोई भी, क्योंकि ये नीचे लग ना जाए। सो ये मैं अभी तवा रख रही हूँ, फ्लेम मैं अभी इस पॉइंट पे हाई कर रही हूँ क्योंकि हमारा तवा गर्म होना चाहिए। और इस पे ये हमारी कढ़ाई रख रही हूँ और इसके ऊपर मैं अभी हैवी वेट रख दूंगी और उसे अराउंड 5 to 7 मिनट्स के लिए हम अच्छे से दम होने देंगे। तो चलिए हमारी ये पनीर टिक्का बिरयानी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी ही कलरफुल और अच्छी सी डिलीशियस बन चुकी है। सो इसे आप ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।